हमारे प्रभु श्री राम आपका भाई गुल्लू कहता है अब तो कोई बीमार नहीं होगा, कोई गोबर खा रहा है, गाय के बच्चे को मालूम है कि गाय का मूत्र नहीं पीना है, दूध पीना है। तुम लोग तो ऐसा न भक्त हो। हमारे प्रभु श्री राम आपका भाई गुल्लू कहता है अब तो कोई बीमार नहीं होगा, कोई गोबर खा रहा है, गाय के बच्चे को मालूम है कि गाय का मूत्र नहीं पीना है, दूध पीना है। तुम लोग तो ऐसा न भक्त हो, नहीं ला सकते तो यह भाजपा का नेता बबजट है, बाप से बड़ा है। आप बताओ, प्रभु श्री राम हम सबको लाए हैं, प्रभु श्री राम पूरे ये सृष्टि के मालिक हैं, प्रभु श्री राम को कौन लाएगा? ये छत तो दिया ना राम जी को, है छत तो दिया। अच्छा तुमको लक्ष्मी देवी को तो मकान ना दिया, पर जो प्रभु श्री राम हम सब हिंदुओं को भवसे सागर पार कराते हैं, उनको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी, उनको तो मकान देने की मोदी की औकात नहीं है, आज चले हैं प्रभु श्री राम को छत देने। दूध पिलाया तो मोदी जी से सवाल पूछ कर देखो, सत्य सनातन हिंदू धर्म में जिसकी पत्नी जोड़े के साथ बैठा जाता है, आपने देखा होगा रामायण में प्रभु श्री राम ने माँ सीता की सोने की प्रतिमा बनाई, क्यों बनाई? उसको प्राण प्रतिष्ठा किया, विधिवत संस्कार का नाम है सनातन हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं और 16 संस्कार में एक संस्कार शादी विवाह भी है। आपने देखा उन्हीं 16 संस्कारों में प्रधानमंत्री ने जिस जसोदा बेन के मांग में सिंदूर बनी, दो चुटकी सिंदूर का कीमत आपके पाप चहते आपके पापा को नहीं मालूम, नरेंद्र बाबू क्या जाने दो चुटकी सिंदूर का कीमत? आप बताओ, अरे फिर पर्सनल, अरे यार सुन रे, अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो। प्रभु श्री राम पत्नी का प्रत्याग कब किए? एक आम आदमी क्या खाएगा? लेटरिन खाएगा क्या? अरे लेटरिन खाता है क्या? आपने रामायण में नहीं देखा प्रभु श्री राम से जब प्रजा ने पूछा तो प्रभु श्री राम ने राजधर्म का पालन करते हुए अब माँ सीता को महर्षि वाल्मीकि के कुटिया में परित्याग कराए। क्यों? चूंकि एक राजा का धर्म होता है तो प्रधानमंत्री का भी एक धर्म है, कम से कम अपनी पत्नी ही ना समझकर, देश की बेटी समझकर, देश की जनता समझकर जसोदा बेन को तो ले जाते। अरे कम से कम शिलान्यास में नहीं ले रहे भाई ममता, राम मंदिर आने नहीं है। आप यही बात, अच्छा जसोदा बेगम है कि आप उसको नहीं ले जा रहे? अरे भाई जसोदा बेन बेगम है कि आप नहीं ले जा रहे? जसोदा बेन तो हिंदू बेटी है, आप आपकी अर्धांगिनी है, और जिस हिंदू धर्म में पत्नी के लिए प्रभु श्री राम ने लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, उसका अनुसरण करते हुए आप प्रभु श्री राम से सीखा होता मोदी जी, आपने प्रभु श्री राम के बारे में कुछ नहीं जानते। आप कोरोना काल में आपने ताली थाली पिटवा दी, जबकि हमारे प्रभु श्री राम आराध्य प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब बीमार हो तो संजीवनी बूटी और सुसेन वैद की जरूरत है। आप लोग का टेंट में रखे थे, आप सिखाओगे मोदी जी को ना? तथैया नाचो ना, घगड़ा चोली पहन के नाचो, अंजना कश्यप की तरह नाचो ना। अरे नाचो ना, अरे दो कौड़ी के पत्रकारों शर्म करो कम से कम। हमारे प्रभु श्री राम आपका भाई गुल्लू कहता है अब तो कोई बीमार नहीं होगा, कोई गोबर खा रहा है, गाय के बच्चे को मालूम है कि गाय का मूत्र नहीं पीना है, दूध पीना है। तुम लोग तो ऐसा न भक्त हो कि अरे भाई, अरे भाई आइडिया देने हम नहीं दे रहे हैं, हमने यजुर्वेद नहीं लिखा है, यजुर्वेद लिखने वाले हमारे साधु संत थे, हमने नहीं लिखा है मार्कंडे पुराण वगैरह, किसने लिखा हमारे? अरे भाई सुन ही नहीं रहे, तुम्हें कुछ मालूम है? अरे तुम्हें कुछ मालूम है? अरे यार सुन तो ले, अश्वमेध यज्ञ का घोरा किसने करा, यज्ञ को किसने कराया? अरे भाई बताओ, अरे बेशर्म पत्रकारों, अरे भाई कितने निर्लज बेशरम हो, गिर जाओगे दो कौड़ी के लुचल अफंगे पत्रकारों। प्रभु श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया था तो उन्होंने माँ सीता की प्रतिमा बनाई थी, ये तो जीते जी जसोदा बेन को न सुहागन छोड़ा, न विधवा छोड़ा, न कुमारी छोड़ा, आज वो अपनी धर्म पत्नी को नहीं ले जा रहा। अरे फिर सुनो, को लाए वो मोदी को लाएंगे। अच्छा कह रही है, आपके पापा का क्या नाम है? ए भाई पर्सनल, अरे तुम, अरे भाई सुन, अरे भाई, अरे बेसर, अरे फिर पर्सनल अटैक। अरे भाई तुम अपने बाप को नहीं ला सकते, दादा को नहीं ला सकते तो यह भाजपा का नेता बबजट है, बाप से बड़ा है। आप बताओ, प्रभु श्री राम हम सबको लाए हैं, प्रभु श्री राम पूरे ये सृष्टि के मालिक हैं, प्रभु श्री राम को कौन लाएगा? ये अरे सुन, अरे भाई सुन लो ना यार, छत तो दिया ना राम जी को, है छत तो दिया। अच्छा
तुमको लक्ष्मी देवी को तो मकान ना दिया, पर जो प्रभु श्री राम हम सब हिंदुओं को भव्य सागर पार कराते हैं, उनको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी, उनको तो मकान देने की मोदी की औकात नहीं है, आ चले हैं प्रभु श्री राम को छत देने। अरे सुन लो, अरे बेशर्मो, सुनो, अरे सुन लो, बगैर राम और कृष्ण के एक एक पल भी कोई सांस नहीं ले सकता है। प्रभु श्री राम हम सबको सब कुछ देते हैं, सुख दुख सब कुछ देते हैं, धन दौलत शोहरत सब तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। और मोदी जी का विरोध कर रहे हैं आप? अच्छा हाँ, ये तुम्हारे पापा जी का पेटेंट है तिलक। आप भगवा, अरे लुच्चो लफंगे हो, आप बताओ कि भगवा क्या 2014 से पहले सनातन हिंदू धर्म के लोग भगवा नहीं पहनते थे, तिलक नहीं लगाते थे? अरे यार शर्म करो, सुनो, जब 900 साल के अब मुगलों के शासन में भी हम हिंदुओं का कुछ नहीं बिगड़ा, जब 200 से अधिक साल अंग्रेजों की हुकूमत थी तब भी हिंदू धर्म था। अरे सुनो, अरे अरे सुनो, अरे बेशर्मो दलालो, अरे सुनो भाजपा के भरमो, सुनो पहले बात, सुनो पहले, अरे सुनो, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, दिल में बसते हैं राम और कृष्ण, आप हमारे धर्म के आदर के साथ अगर देखोगे हर घर में बसता है। आपने गणेश की पूजा क्यों होती है? प्रभु श्री गणेश ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की, इसका मतलब तीनों लोक का परिक्रमा है। हर घर हमारा मंदिर है, हर घर मंदिर है और हर घर का परिवार। खाली कर दीजिए 22 तारीख को, नहीं तो बुरा होगा यार। देखो भाजपा के नेताओं को कुछ भी नहीं बचा है, ये एक बात बताओ, सुनो, उनको बोलना अपना जीजा तो बदल लें। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन जो भाजपाइयों के दामाद और जीजा हैं, तो हम हिंदुओं को तो कम से कम सौंप दें, हमें तो राज्यसभा में भेजें। अरे फिर बदनाम कर रहे हैं यार, माने जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार हैं, तो सबको जीजा बना लो, सब तुम्हारा यार हो जाएगा। फिर कौन है मुख्तार अब्बास फिर तो करे डुबकी लगा लीजिए। अरे भाई तो तू तो डुबकी लगा लिया ना भाई, भाजपा नेता आरएसएस के नेता के यहाँ दामाद बन गया, जीजा बन गया भाजपाइयों का, तभी ना चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में जाता है, मंत्री बनता है। एक बात बताओ, इलाहाबाद का नाम तो बदल लिया बड़ा शौक से, प्रयागराज कर दिया तो अपना। अरे सुन, अरे भाई तो जीजा बदल लो ना, दामाद बदल लो ना, अगर हम हिंदू का मुंह खराब है तो देश में 100 करोड़ हिंदू युवा है, अरे परिवार है, तो आप सोए हुए हैं सारा हिंदू जागिया है। अरे भाई सुन ना रहे, हम सनातनी हिंदू कब सोए ही कब थे, हमेशा जगे हुए थे। आप सीधा बात समझो, 100 करोड़ हिंदुओं का ये देश, किसी को भी अपने दामाद और जीजा तो बदल लेते, हिंदू को दामाद और जीजा बनाते, क्यों नहीं बना रहे? क्यों मुख्तार अब्बास नकवी को जीजा कहते हो, दामाद कहते हो, मेहमान कहते हो, क्यों मुख्तार अब्बास नकवी को कहते हो? सुनो, सत्य सनातन हिंदू धर्म था, है और रहेगा, किसी के बाप पर मजाल नहीं है कि हिंदू धर्म को खत्म कर देगा। यार मैं क्या कह रहा हूँ, जिस देखो हिंदू धर्म में मंत्रों के गलत उच्चारण से अनिष्ट प्रभाव पड़ता है, तो प्रधानमंत्री जो अनिष्टता कर रहे हैं, ये देश के सनातनी हिंदुओं को झेलना पड़ेगा। पहले विग्रहवास होता है, मैं आपको क्या बोला, नींव रखने से लेके भवन तैयार होने तक की प्रक्रियाएं हैं, अनुष्ठान होता है। हिंदू राष्ट्र की भी नींव है ये यार, हैं हिंदू राष्ट्र की नींव है 22 तारीख। अच्छा तो ये मुख्तार अब्बास नकवी देश में नहीं रहेगा, भगा दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी ना। अरे भाई, अरे भाई सुन ना रहा यार, वो तुम्हारे जीजा जी लगते हैं कि जाके कहते हो जीजा जी जीजा जी बदलो जीजा को दामाद को। अरे भाई सुन रहा, तुम सर्टिफिकेट देगा, पेंट खोल के दिखाऊं तुम्हारे को कि हमारा खत्म लो, देख लो कि भाजपाइयों को दिखाऊं। अरे बेशर्मो बेशर्म, तुम कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? आप एक बात समझो, हमारे पूरी के तमाम शंकराचार्यों ने, आप सुनो, मोदी जी को आप योग गुरु बना देते हो, योग यही करेंगे, कभी वैज्ञानिक बन जाते हैं, कभी रिसर्च साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी अर्थशास्त्री बन जाते हैं, कभी अरे बार जनता बना रही है, अरे कोई जनता ना बना रही है। सुनो, देश के लुटेरे सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अजीत पवार जैसे लोग, हसन मुशरीफ जैसे लोग, महेश शाह जैसे लोग, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग।